This is going to be a special vlog. Hey everyone, welcome to my channel. I'm Shri. Hope you all are doing well. So आज मैं again एक vlog shoot कर रही हूँ, but this is going to be a very small vlog क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ काली मंदिर, मेरी माँ के मंदिर. So I'm so excited, I'm so happy. सोचा कि छोटा सा vlog करके आपके साथ share करूँ. So अभी मैं ready नहीं हुई हूँ. आज Thursday है इसलिए मैंने ये red and white की साड़ी पहनी हुई थी. आई एम सो सॉरी. सो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर आपसे बात करूँगी. और बबल और मैं, हम दोनों जाने वाले हैं. सो मतलब आई एम सो हैप्पी क्योंकि मैं काली माँ को बहुत मानती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा मानती हूँ. दैट्स व्हाई. सो आज मामा नहीं जाएंगे हमारे साथ, यहीं पर बैठे हुए हैं. तो छोटा सा व्लॉग होने वाला है. आई होप आपको पसंद आएगा. अगर पसंद आएगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ. एक्चुअली ना बबल अभी उठे भी नहीं है और वो उठेंगे 5 मिनट में, उनका काम खत्म हो जाएगा. एंड यू नो हम गर्ल्स के तो मतलब घंटों लग जाती है, बट आज मैं घंटों नहीं लगाने वाली. सो फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ, साड़ी चेंज कर लेती हूँ एंड थोड़ा सा मिनिमम मेकअप कर लेती हूँ फॉर डे टाइम एंड देन आई विल बी बैक. टिल देन आप क्या करोगे? आप बस देखते रहो ना. मैं यूं मतलब चुटकी में गई और चुटकी में आई. आई एम बैक. सो वी आर रेडी. बबल और मैं, हम दोनों रेडी हो चुके हैं. अभी बस हम निकलेंगे थोड़ी देर में. सो मैंने ये वाली साड़ी पहनी हुई है. थोड़ा सा हैवी है बट इट्स ओके. मतलब एवरेज टाइप का साड़ी है, मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है. क्योंकि मतलब मुझे ना ऐसी साड़ियाँ पसंद नहीं है, मुझे बहुत ही हल्की फुल्की लाइट साड़ियाँ मुझे पसंद है. दसवा मुझे ये साड़ी थोड़ी सी एवरेज लगी, बट स्टिल दिस इज माय मिनिमम मेकअप लुक फॉर डे टाइम. सो मैंने सनस्क्रीन लगाया हुआ था, सीरम लगाया हुआ था, देन डे क्रीम, पॉन्स का जो डे क्रीम है जो मैं यूज़ करती हूँ, अगर आप मुझे फॉलो करते हो देन आपको पता होगा वही मैं यूज़ करती हूँ. एंड देन पाउडर एंड थोड़ा सा ब्लश, थोड़ा सा हाईलाइटर, न्यू लिपस्टिक एंड काजल, मस्कारा एंड दैट्स ऑल. सो दिस इज माई लुक. आई जस्ट लव दिस लुक क्योंकि ये बहुत ही सटल सा नेचुरल सा लुक आया है. सो आई जस्ट लव. सो अभी हम निकलेंगे, फिर जाके मैं आपको बताऊँगी हम कैसे जा रहे हैं का क्या मतलब है. मतलब मैं खुशी में पागल हो रही हूँ क्योंकि मैं काली माँ को इतना ज़्यादा मानती हूँ ना. मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मैं उसके पास जा पाऊँगी. मैंने कहा था अगर शादी हो जाए तो मैं जाऊँगी वहाँ, तो आज मैं फाइनली जा रही हूँ. सो आई एम सो मच हैप्पी राइट नाउ. सो अभी मैं कुछ खाऊँगी नहीं क्योंकि मंदिर जाने वाली हूँ और कुछ खा के नहीं जाऊँगी. सो मैं जाते टाइम फिर से आपको बताऊँगी. लॉन्ग ड्राइव आज अगेन होने वाला है विद बबल. सो थोड़ा सा मस्ती भी होने वाला है. मैं चलता है. सो या सी यू देन.
काली माँ के पास से आ गई, बहुत खुश हूँ। बट वहाँ ना फोटो या वीडियो अलाउ था या नहीं मुझे नहीं पता, बट वहाँ मैं माँ के सामने ऐसे फोटो नहीं खींच सकती थी क्योंकि हम दोनों बात कर रहे थे और बात के बीच में ये फ़ोन कहाँ से मैं घुसाती। सो यहाँ आई एम सो हैप्पी एंड थोड़ा सा वो यहाँ गया। सो बड़ा अच्छा लग रहा है आज माँ के पास आके, यहाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है इसलिए बात थोड़ी सी कर नहीं पा रही हूँ, मतलब क्योंकि यहाँ लोग हैं इधर सारे। सो या अभी हम कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता, जहाँ ये मिस्टर लेकर जाएंगे वहीं हम जाएंगे। सो या आई एम सो हैप्पी फाइनली, और मैं माँ के पास फिर से आने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे बातें जो हम करने वाले हैं। आई एम सो हैप्पी, दिल तो करता है यहीं पे ही रह जाऊँ बट दैट्स नॉट इम्पॉसिबल ना। सो या सो अभी ये मिस्टर गाड़ी में बैठ चुके हैं, अगर ज़्यादा मैं बोलूँ तो यहीं पर मुझे छोड़ के जाएंगे। सो लेट्स गो। वी आर एट होम फाइनली, क्योंकि इतनी ज्यादा धूप थी ना, मतलब ऐसा था कि जल्दी बस घर पे पहुंच जाए तो शांति मिल जाए, बस ऐसा था। और पता है मैं ना मंदिर की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वहां फ्रंट में मैं माँ के सामने वीडियो ऐसे नहीं ले सकती थी, दस वाय बट आई एम सो हैप्पी फीलिंग सो रिलैक्स क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं माँ की मंदिर गई थी। सो आई एम सो हैप्पी। सो अभी ना मैं ये चेंज कर लेती हूँ क्योंकि इसकी वजह से बहुत सी मतलब बहुत ही घुटन सी महसूस हो रही है। सो यहाँ चेंज करती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। गोलगप्पा ना हम घर पर ही लेकर आ गए क्योंकि यहाँ पर मामा भी थे, सो हम तीनों अभी खाएंगे, वो तो अभी उठ ही नहीं रहे, वो सो चुके हैं, बबल अभी सो गए हैं, मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है, फिर मामा भी खा रहे हैं। सो गोलगप्पे खा लेते हैं फिर सो जाऊंगी, उठूंगी एकदम 4 बजे फिर। ये रहा हमारा गोलगप्पा, टेस्टी वाला गोलगप्पा, बहुत टेस्टी बना हुआ है। और ये ना हम 40 रुपीज़ का लेकर आए थे, बताने वो 40 में कितना देता है कोई आइडिया नहीं है, और अभी मैं बताने की मूड में भी नहीं हूँ, जल्दी जल्दी से इसे फिनिश कर लेते हैं फिर बातें करेंगे, जो भी बात करना होगा फिर मैं करूंगी। भाई ना हमें हो जो तो महबा कुछ बस तेरा संग हमें भी। अरे मां तू आसी होलु तते ही समझते चाहि के ले। हां ए बढ़िया है तमे और ना मुझे माने एडा पिपरा पर तमे चार भी बढ़िया रखो जो काई की तरह रिकॉर्ड कर जो मूवी टाइम बा मूवी टाइम। मेरे मामा को बोला था जब हम निकलेंगे मंदिर के लिए थोड़ा सा क्लिप वहां से ले लेना ताकि मैं उसे व्लॉग में ऐड कर सकूं, सो उन्होंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया था जब हम निकल रहे थे। अभी कोई गया यहां से, मुझे उनसे एलर्जी है। तो और क्या बोलना था, और कुछ नहीं, व्लॉग का दी एंड यहीं पर हो गया। मैं ये 1000 बार बोल चुकी हूँ, फाइनली व्लॉग का दी एंड कर रही हूँ, जल्दी मिलूंगी आपसे युवरी के साथ। Till then, take care then.